नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई सूचना। तो दोस्तों, ये जो न्यूज है वो RPSC से रिलेटेड है, तो हम इसमें एक नई जानकारी देंगे। भर्तियों से रिलेटेड है, RPSC से ही रिलेटेड ये न्यूज है, तो हम आप यहाँ पर दिखाएंगे ये RPSC की भर्तियों पर जो जून से प्रभावित हो सकता है। RPSC का कामकाज 3 सदस्यों का कार्यकाल हो रहा है समाप्त, तो इनमें कौन कौन से परीक्षाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा, रिजल्ट और जो पेपर एग्जाम 2019 में होने वाले हैं उन परीक्षाओं पर क्या क्या इनके प्रभाव पड़ेंगे, वो सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये न्यूज है वो आज की न्यूज है, ट्विटर की न्यूज है। जून से प्रभावित हो सकता है RPSC का कामकाज, 3 सदस्यों का कार्यकाल हो रहा है समाप्त। तो जो 3 सदस्य हैं जो RPSC के, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो जून में जाकर उनका जो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो RPSC के जो कार्य है वो प्रभावित हो सकता है। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, 1 अप्रैल 2019 11:21 का ट्विटर है। विस्तृत में यहाँ पे आपको न्यूज़ दिखाते हैं, जून से प्रभावित हो सकता है RPSC का कामकाज, 3 सदस्य का कार्यकाल हो रहा है समाप्त। यहाँ पे विस्तृत में न्यूज़ को पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं ट्विटर पे की न्यूज है, वहाँ पे भी आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अपने अहम कामकाज में दिक्कत हो सकती है, दरअसल यहाँ सदस्यों को 3 पद रिक्त होने वाले हैं, सरकार ने समय रहते फैसला नहीं किया तो आयोग अध्यक्ष और 3 सदस्यों के भरोसे ही चलेगा। अगर सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया तो जो RPSC में सिर्फ 1 तो अध्यक्ष और 3 सदस्यों के भरोसे ही कार्य चलेगा। 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, तो आयोग में शुरुआत से अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते थे। तो स्टार्टिंग जब 1949 के अंदर 1949 में, तो उस टाइम पे इसमें अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते थे। कांग्रेस सरकार ने अपने पिछले ही कार्यकाल में 2 सदस्यों की संख्या बढ़ा दी और अब आयोग में 7 सदस्य हो गए हैं। तो फिलहाल RPSC में 7 सदस्य हो गए हैं। ये भी एक क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि RPSC में कुल कितने सदस्य होते हैं। आयोग में सबसे पहले वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर R.D. सैनी का कार्यकाल 13 अप्रैल 2019 को समाप्त होगा। तो ये जो RPSC के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, R.D. सैनी 13 अप्रैल 2019 को समाप्त होने वाला है सबसे पहले। इसके बाद में डॉक्टर K.R. बांगड़िया, डॉक्टर सुरजीत लाल मीणा का कार्यकाल समाप्त होगा। तो 3 जो ये सदस्य इनका समाप्त हो जाएगा। इनकी नियुक्ति 18 जून 2013 को हुई थी। नियमानुसार आयोग में सदस्यों का कार्यकाल 62 साल अथवा 6 वर्ष की अवधि पूरी होने तक ही रहती है। तो ये भी क्वेश्चन परीक्षा की तरफ से इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि जो RPSC जो आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कब तक होता है, तो या तो उनकी जो 62 साल पहले उम्र पूरी हो जब तक, या फिर उनके 6 वर्ष की अवधि पूरी, जो भी इनमें से जो पहले होगी उसके अनुसार। इसके बाद यहाँ अध्यक्ष दीपक उप्रेती के अलावा सदस्य में डॉक्टर शिव सिंह राठौड़, राजकुमारी गुजर और राम राय का ही रह जाएंगे। इससे आयोग को फैसले लेने में परेशानी हो सकती है। तो सिर्फ 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य बचेंगे तो फैसले लेने में परेशानी हो सकती है। तो इनमें किन किन चीज परीक्षाओं पर प्रभाव पड़ेगा, आयोग में 7वें सदस्य की नियुक्ति पिछले 8 साल से नहीं हुई है और इस दौरान 5 साल भाजपा का राज, जबकि कांग्रेस फिर से सत्ता में लौट आई है। तो जो इसमें जो 7वें सदस्य की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जब से 7 सदस्यों को नियुक्ति में की गई है, जो 5 साल पिछली बार भाजपा राज भी जा चुका, दोबारा से कांग्रेस भी सत्ता में आ गई है। कांग्रेस ने इन सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 7 की थी, लेकिन आयोग को अब भी 7वें सदस्य का इंतजार है। यहाँ आपको बताते चलें कि लोक सेवा आयोग के पास कौन कौन सी परीक्षाएँ करवाना चुनौती है। तो इनमें से जो सबसे मेन जो परीक्षा है वो RAS मुख्य परीक्षा 2018, प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018, सहायक वन संरक्षण रेंज अधिकार ग्रेड प्रथम परीक्षा 2018 का आयोजन होगा। इसके अलावा कुछ जो सरकार और कर्मी विभाग से लेकर साल 2019 की भर्तियां भी मिलनी हैं, इससे RAS मदीन सेवा जो भर्ती है परीक्षा वो भी इसमें शामिल है। तो दोस्तों, अगर कार्यकाल इनका समाप्त हो जाता है उसके बाद अगर नए सदस्यों की नियुक्ति नहीं होती है तो ये काम लेट हो सकते हैं, इनकी जो सदस्य हैं वो कम रह जाएंगे, तो रिजल्ट में और पेपरों में भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो हम यही सोचते हैं अगर सरकार इन पर जल्दी ध्यान दे, 8 से 3 सदस्यों की अगर नियुक्ति हो जाती है तो ये आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी हो सकती है, तो हो सकता है आपके पेपर और जो परिणाम में देरी होने के चांस हैं। तो दोस्तों, ये एक सिर्फ न्यूज़ थी जो हमने आपको बताई है, RPSC से रिलेटेड है। तो हम ये आशा करते हैं ये आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर विजिट करने वाले हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या हुआ सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।